हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निगम में वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। साधारण सभा की बैठक बुलाई, जनप्रतिनिधियों ने रखा 2 मिनट का मौन। नगर निगम में सोमवार को सुबह साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। महापौर घनश्याम ओझा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी पार्षदों, जनप्रतिनिधियों और निगम अधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वहां 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस शोक सभा में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, निगम के कार्यवाहक आयुक्त दुर्गेश बिस्सा, निगम प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह सोलंकी, पार्षद और पूर्व मंत्री राजेंद्र गहलोत, हरिगोपाल राठी सहित कई कांग्रेसी और भाजपा पार्षद और अन्य लोग उपस्थित थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजस्थान का मान पोखरण में स्पोर्ट करके इस धरती का मान पूरे विश्व में बढ़ाया। इस पोखरण स्पोर्ट के बाद तमाम प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सहन करते हुए उन्होंने अपने फैसले पर अटल रहे, जिस कारण आज ये देश शक्ति संपन्न हो सका है। लंबे समय तक राजनीति से दूर रहने के बाद, लंबे समय तक पब्लिक लाइफ दूर लेने के बाद, जिस प्रकार उनके देवासन के बाद में दिल्ली में जिस प्रकार का जनसंवाद उभरा और उसके बाद में प्रत्येक वर्ग ने, प्रत्येक जाति ने, प्रत्येक धर्म ने, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी ने, प्रत्येक देश ने उनके सम्मान में सदा समर्पित किए, वो वास्तव में अद्भुत है। यहाँ भारत में भी पूरे एक वार्ड लेवल तक, बूथ कमेटी तक उनके लिए शोक सभा आयोजित की गई। इस प्रकार के मानव मिलने मिलते हैं, मैं उनको नगर निगम परिवार की ओर से, तमाम जो प्रवासियों की ओर से सदा समर्पित करता हूँ और उनके बताए रास्ते पर चलने के हम लोग संकल्प लेते हैं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।